सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज की इस कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है महोदय एक्सरसाइज तो बची है। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। इस पाठ में आगे बढ़ने की ओर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और इस पाठ के नाम में क्या ऐसी बात कही गई, ऐसा क्यों इसमें कहा गया है कि विचित्र साक्षी, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत होगी और जो आपके जीवन में एक नए उदाहरण के रूप में आपके का मार्गदर्शन करेगी। इसी सापेक्ष में आज हम पढ़ेंगे विचित्र साक्षी। बेटा, आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और ये स्क्रीन दिख रहा है? जी महोदय, सब दिख रहा है। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। आप में से कोई इसे एक, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है और आगे जो लिखा हुआ है। जी महोदय, प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बेकिम चंद्र चटर्जी द्वारा फैसले पर आधारित सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्षी के अभाव भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। आप में से कोई एक ही से रीड करेंगे बेटा, और जिसे मैं इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है? आप अभी क्या पढ़ रहे थे ये मेरी तक समझ में नहीं आया, रीड करने कहा मैंने तो आप में से दो तीन लोग रीड करना स्टार्ट कर दिए। मैं चाहूंगी कि संकेत, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। संकेत, यस मैम। हाँ जी बेटे, संकेत रीड कीजिए इसे। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी, इस तरह से रीड करेंगे। बोलिए यहाँ से। अष्टमः पाठः विचित्र साक्षी। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगाला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्षी के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ेंगे। फिर कश्चन निर्धनो जन कश्चन निर्धनो जनः भूरी परिश्रम्यः। वेट बेटा, आप ये शब्दार्थ रीड कीजिए। यस मैम। भूरी, अपर्याप्तम, अत्यधिक, अर्जितवान, कमाया है। भूरी मींस पर्याप्तम लिखा है आपने, यहाँ पर्याप्तम कहा। भूरी से तात्पर्य, भूरी से आप ना एक संस्कृत का पढ़िए और एक हिंदी आखिरी वाला बीच का जो बीच की जो लाइन दी गई है उसे छोड़ दीजिए। भूरी इति अत्यधिक, उपार्जितवान इति कमाया, निवसन इति रहते हुए, इस तरह से लिख दीजिए। प्रसते फैलने पर, विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में, शुभा वह कल्याणकारी, गृही गृहस्थ, देवगति भाग्य की लीला, पलायित भाग गया चला गया, प्रबुद्ध जागा हुआ, त्वरितम शीघ्रगामी, प्रसिद्ध चला गया,
अर्थ का श्येन घना भाव के कारण, पदातिरेव पैदल ही, पुंसह मनुष्य का, निहिताम रखी हुई, अंध्य अन्य धावत पीछे पीछे गया, क्रोशितुम जोर जोर से कहने चिल्लाने। यस मैम हूँ, आगे बोलिए बेटे, आगे भी है। स्वरेण ऊंची आवाज में, अभत्सर्यन भूला भला बुरा कहा, प्रख्याप्य स्थापित करके, चौर्य भी योग्य है चोरी के आरोप में, नीतवान ले गया, अवगत्य जानकर, दोष भाजनम दोषी, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आरक्षणम सैनिक को, आदिष्टवान आज्ञा दी, स्थापित वंतः स्थापना करके, तत्रत्य वहां का, नव्यदयत प्रार्थना की, क्रोश क्रोश दयांतराले दो कोस के मध्य। हाँ ठीक है बेटा, धन्यवाद। हम इस पाठ पर आगे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी इस पाठ के प्रारंभ में आपने कह बता दिया ये पढ़कर कि इसमें एक ऐसे साक्षी, एक न्यायाधीश के सामने एक ऐसे व्यक्ति की प्रस्तुति होती है जो कि युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में जिन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी परिप्रेक्ष्य में इस पाठ के बारे में बताया गया है। हम यहाँ देखते हैं, कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम्य कश्चित वित्तमुपार्जितवान, कि किसी निर्धन व्यक्ति ने, किसी निर्धन व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन को एकत्रित किया गया। क्यों किया गया, आगे लिखा हुआ है, तेन वित्तेन स्वपुत्रं एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापितुं सफलो जाता। और उसने उस धन का उपयोग किस लिए किया, स्वपुत्र, तेन वित्तेन उसने उस धन का उपयोग स्वपुत्रं अपने पुत्र को एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उस धन का उपयोग किया, जिसमें वे सफल भी हुए, सफल हो जाता, उन्हें सफलता भी प्राप्त की। अपने पुत्र की पढ़ाई की खर्च के लिए उसने पैसा कमाया और उस और उसके कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उसने सफलता प्राप्त की, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो तन्य फिर उसके बाद उत्तरणीय पुत्र, तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूत। तत्पश्चात उसका जो पुत्र था वह छात्रावास में रहने लगा और अपनी पढ़ाई के कार्य में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकारण्य व्याकुलो जाता, पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार पिता तनुजस्य, पिता ने सुना कि उनका जो पुत्र है, उनका जो पुत्र है वह बीमार, किसी कारण से बीमार हो गया, ऐसी उसकी बीमारी का कारण जानते हुए वो व्याकुल परेशान हो गया और पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ा। परमार्थ काश्येन पीड़िता स बस यानम विहार पदातिरेव प्राचलत। और उस तत्पश्चात लिखा हुआ है कि गरीबी के कारण से, परमार्थ काश्येन पीड़िता, गरीबी के कारण से, पर अर्थ, अर्थ से तात्पर्य धन से है, लेकिन धन की कमी होने के कारण से वह बस यान, बस में सफर करने के बजाय विहार छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही निकल गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आगे इसमें लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ रीड करेंगे बेटा, आप में से कोई एक रीड कीजिए। पदातिक्रमण, बोलिए आप मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा?
मैं आप में से एक को इनवाइट करती हूँ, दिव्यांश आ जाओ बेटा। दिव्यांश आप अनम्यूट हैं? जी बेटा। जी महोदय। पदातिक्रमण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत् निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवा शुभावह एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थमुपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। पदातिक्रमेण पैदल ही लगातार क्रमेण लगातार पदातिक्रमेण संचलन सायं पदातिक्रमेण से तात्पर्य है पैदल ही लगातार पैदल चल संचयन सारण चलते हुए भी शाम के समय समीप सौ गत्व्याद टूटे आसित वह जहां जाना चाहता था सायं समीप यसौ गंतव्याद जहां वह जाना उनको जाना था वहां से भी वे दूरे आसित नहीं पहुंच पाए। जहां उनका जो गंतव्य स्थान था वहां तक वे नहीं पहुंच पाए और वे उनसे दूर थे। निशांधकारे निशांधकारे से तात्पर्य है निशा से तात्पर्य है रात्रि अंधकारे से तात्पर्य अंधकार रात्रि तो रात की के अंधकार के कारण प्रसीते विजने विजने प्रदेशे पद यात्रा न सब सुभा वहां रात्रि के समय अंधकार में प्रसीते विजने से तात्पर्य है निर्जन स्थान क्योंकि वो जहां जा रहे थे वहां रास्ता रास्ता था सुनसान इलाका था ऐसे प्रदेश में पैदल यात्रा करना न सुभावहा उन्हें सही नहीं लगा एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुं कश्चित् गृहस्थमुपागतः इसलिए उन्होंने विचार किया एवं विचार्य स इसलिए उन्होंने विचार किया पार्श्व स्थिते पास ही स्थित गांव में रात्रि में निवास करके किसी के घर गृहस्थमुपागतः किसी व्यक्ति के घर रहा जाए ऐसा उन्होंने विचार किया रात्रि और इसलिए उन्होंने सोचा कि पास के किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ रहकर भी उन्हें रहना चाहिए ऐसा उन्होंने विचार किया। करुणा परो गृही एक दयालु व्यक्ति के घर में तस्मय आश्रय प्रायक्षत एक करुणामयी एक दयालु व्यक्ति ने अपने घर में उन्हें आश्रय प्रदान किया दिया आश्रय दिया रहने के लिए जगह दी ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। आगे के पैराग्राफ के लिए मैं आप में से किसी को इनवाइट करती हूँ। हाँ रक्षिता रक्षिता आप अनम्यूट हैं? यस माता जी। हाँ जी बेटा ये रीड कीजिए। विचित्रा देव गंधी तस्या में रात्रौ तस्मिन गृहे कश्चन और गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः तत्र निहितामेकां मंजुषां आदाय पलायितः चौरास्य पादध्वनि न प्रभु धो अतिथि चौराश महोदय इसको क्या पढ़ेंगे चौराश चौर संकया चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो तिथि चौरस्य चौर संकया चोर की चौर संकया
चौर संतया, हाँ बोलिए। तम वधातव धावत, हाँ धावत अग्रहणाच परम अग्रहणाच परम विचित्र मघटत मघटत चौरह एव उच्चै क्रोशितुम माभरत मारभत चौरो अस्यम चौरासयम इति तस तस तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनी स्वगृहाद निष्क्रम्य तात्र गच्छन् वराक मतिथेव मतिमेव च औरम मत्वा अभ अभ मत्वा भरत्स्यन् यद्यपि ग्रामस्य आरषि एवं और एवं चौर आसीत् तक्षणमेव रक्षापुत्रक्ष तम अतिथिम चौरोस अयम् इति प्रख्याप्य कारगृहे प्राक्षिपत। हाँ ठीक है बेटा, धन्यवाद। क्या हो रहा है, मैं इसलिए आज आप लोगों को एक एक करके इनवाइट कर रही हूँ कि हम पढ़ तो रहे हैं, जान रहे हैं हमें, लेकिन हमें अभ्यास में कहीं ना कहीं वो घर में थोड़ी सी चूक हो रही है, हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हमें जो स्पीड बननी थी वो नहीं बन पा रही है। इसलिए आप सभी अपने घरों पे कम से कम किसी भी लैंग्वेज की 5 पंक्तियां प्रतिदिन पढ़ा करें। धन्यवाद बेटा रक्षिता। आगे इसमें लिखा हुआ है विचित्र, देखें यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था कि एक व्यक्ति अपने पुत्र को कॉलेज में एडमिशन दिलाता है और उसका तबीयत खराब है, ऐसा जानकर वह उसे पैदल ही मिलने को चला जाता है। रात्रि होने वाली रहती है, ऐसी स्थिति में निर्जन स्थान पर पैदल चलना उसने उचित नहीं समझा और फिर वह कहीं पर विश्राम करके आगे अगले दिन जाना चाहता है। ऐसे में गांव के किसी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, दयालु व्यक्ति के यहाँ उसे यात्रा मिल जाता है। यहाँ तक हमने देखा। आगे यहाँ क्या लिखा है, विचित्रा देवगति तस्यमेव विचित्रा देवगति, भगवान की लीला भी अपरंपार है और जिसके लिए कहा गया है कि भाग्य की गति विचित्र होती है, विचित्रा देव गति, कि जैसा कि लिखा हुआ है किस्मत में वह विचित्र ही होता है। तस्यामेव रात्र, उसी ही रात्रि में तस्मिन गृहे, तस्मिन गृहे उस गृह में, किसके गृह में, उस दयालु व्यक्ति के गृह में कश्चन चौरा, कोई जो चोर आया और गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट और घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिता मेकाम मंजूषाम आदाय पलायित, और वह वहां से निहिता मेकम वहां पर स्थित एकम एक मंजूषाम पेटी आदाय लेकर पलायित भागने लगा, एक संदूक था वहां और उसे लेकर भागने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, और चोर की के पैरों की आवाज सुनकर वह जो सजग अतिथि था, चोर संकया, चोर होने की शंका से तम्न धावत अग्रणांच, उसे पकड़ने के लिए उसने वह दौड़ा। परम विचित्रम घटत, लेकिन अद्भुत घटना घट गई। क्या घटना घट गई, चौरा एव उच्च क्रोशितुमार भवत, चोर ही जोर जोर से, एक मिनट बेटा,
हम यह पढ़ रहे थे कि तभी चोर होने की आशंका से वह जो सजग अतिथि है वह उस चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन विचित्र घटना घट गई। चौरा ए उच्च है क्रोशितु मार भद, लेकिन उस चोर ने वह चोर ही जोर जोर से कहने लगा। क्या कहने लगा? चौरो अयम इति, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वारकमतिते वराकम तिथिमेव च चौर मत्वा भर्ष्यन्। और तब तस्य तारस्वरेण, उसके जोर की आवाज को सुनकर जो सजग ग्रामवासी हैं वह अपने अपने घरों से निकलकर उसके पीछे जाने लगे और उस चोर को ही वे पकड़ और वे उस चोर के पीछे जाकर उसे चोर मतिया भर्षण उसे पकड़ने की कोशिश करने लग गए। यद्यपि ग्रामस्य आर्ची एव चोर आसीत्, हालांकि ग्राम का कोतवाल, आर्ची से तात्पर्य है रक्षक, तो गांव में उस समय रक्षक होते थे कोतवाल, तो गांव का रक्षक ही चोर था। तक्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथि चोरयम इति प्रख्यात कारागृह प्राक्षिपत। और तब तक्षण में और तभी उस कोतवाल ने ही उस रक्षा पुरुष तक्षण में इस प्रकार उस रक्षा करने वाले पुरुष अर्थात कोतवाल ने ही उस अतिथि को चोर है ऐसा बताकर उसे कारागृह में डाल दिया। जो उसे पकड़ने के लिए निकला था उसे ही उसने, और क्योंकि वह गांव का था और रक्षक था इसलिए सभी उस पर विश्वास करने लग गए। आगे का पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैं आप में से ही किसी को आमंत्रित करती हूँ। सुब्रत, म्यूट होइए बेटा, सॉरी अनम्यूट है आप, बोलिए। सुब्रत हाँ महोदय। हाँ जी बेटा, ये पैराग्राफ। सुप्रभात महोदय। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोरभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बकिमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वे वृत्तमवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत्। आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणाभाव स निर्णेतुं नाशक्नोत्। ततो अग्रिमे दिने उपस्थितुम् अदिष्टवान्। अन्ये द्वौ तौ न्यायालये स्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रतया कर्मचारी समागत्य न्यायवेदयत् यत् इतः क्रोशध्वयानन्तरं कश्चित् जनः केनापि कृतः, तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते, अदिश्यतां किं करणीयमिति। न्यायाधीश आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुमा दृष्टवान्। हाँ जी बेटा, धन्यवाद बेटा। लिखा हुआ है बिल्कुल सही कहा आपने सुब्रत। आगे लिखा हुआ है अग्रिमे दिने ए स आर्षी चौर्या भियोग तम न्यायालयं नीतवान्। और तब अगले दिन स आर्षी, वह जो कोतवाल है चोर पर अभियोग लगाते हुए अर्थात चोर को दंडित करने के उद्देश्य से तम न्यायालयं नीतवान् उसे न्यायालय लेकर चला गया।
न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक 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 विवरण श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी उस समय थे और उपाभ्याम उन दोनों से अलग अलग विवरण उन्होंने सुना, अलग अलग बुलाकर उनकी बातें सुनी। सर्वम वृत्तमवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम। सब कुछ वृत्तांत सुनकर, सभी वृत्तांत सुनकर उन्होंने अतितम निर्दोषम अमन्यत निर्दोष को, निर्दोष तम से तात्पर्य यहाँ पर है उन्हें, उन्हें किसे, अतिथि को, अतिथि को निर्दोष मानते हुए वह जो कोतवाल था उसे ही दोषी मान लिया। किंतु प्रमाणा भावास निर्णेतु न सकिनो, लेकिन वे समझ तो गए लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्षी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने निर्णय को निर्णेतु न सकनो, इसलिए उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। वे समझ तो गए लेकिन निर्णय नहीं दे पाए। ततो अस तो अग्रिमे दिने उपा स्तुतुम आदिष्टवान, और तब उन्होंने अगले दिन अग्रिमे दिने उपस्थित उन दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया। अनेनु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित वंत। अनेनु मत्से तात्पर्य है दूसरे दिन, अन्य दूसरे दिन उन दोनों ने, अन्य दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को पुनः स्पष्ट किया। किसके सामने? न्यायाधीश के सामने। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदिता, और तभी जब वे अपना अपना पक्ष रख रहे थे तभी तदैव कश्चित् तत्रत्य, और तभी किसी एक कर्मचारी, वह एक कोई कर्मचारी वहां आया, न्यायालय का ही कोई कर्मचारी वहां आया, समागत्य निवेदित और वहां पर आकर न्यायाधीश से निवेदन किया। यत कि इतः को द्यात्रले कंचित जनः केनापि हता, कि यहां से कोई दो कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति की केनापि हता को मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उनका जो मृत शरीर है वह राजमार्ग के निकलने पर ही स्थित है। आदिश्याम किम करणीयमिति, अब आदेश दीजिए कि क्या करें। न्यायाधीश आरक्षणीन अभियुक्तम तम च तम समम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, और तब न्यायाधीश ने कोतवाल को और वह जो चोर था, चोर अर्थात वह जो अतिथि था, उन दोनों को ही उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। यहाँ तक ये स्टोरी लिखी हुई है, यहाँ तक का है, ठीक है बेटा। आज समय, आज हम यहीं तक करते हैं, आगे आने वाले समय में हम इसके आगे जो कि कितने पैराग्राफ बचा है, एक पैराग्राफ बचा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ एक पैराग्राफ बचा हुआ है, तो इसको हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप में से किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी अनम्यूट हैं बेटा, आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक जो पैराग्राफ बचा, नहीं महोदय, एक जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसे हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।